कसके पकड़ना कसके पकड़ना, गिर जाओगे नहीं तो, कसके पकड़ो दोनों लोग, कसके कसके गिर जाओगे कसके पकड़ो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, जिसका नाम है एक टपल ब्लॉग्स। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को एक जगह जाने वाले हैं हम लोग ट्रैक्टर से। और आप लोगों को ही पता है इस टाइम मकर संक्रांति का समय चल रहा है, और गांव के आसपास इलाकों में जो अच्छे इलाके होते हैं उनमें मेला वगैरह लगता है, मेला यज्ञ वगैरह होती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास के एक गाँव है, मुरैठ नाम से है, तो वहाँ पर लगता है मेला। और वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, हमारे एरिए में जाना भी जाता है। और वहाँ पर जो है मार्बल वगैरह से पूरा मंदिर जो है मार्बल, प्योर मार्बल से बना हुआ है, और उसमें बहुत ही खर्चा आया है। और वहाँ पर जो है माता जी बैठी हुई हैं वहीं की, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, वहीं चलेंगे हम लोग। बहुत से लोग जा रहे हैं, हम लोग ट्रैक्टर में जा रहे हैं, तो वहीं पहुंच के दिखाते हैं आपको सारा कुछ। तो बने रहिएगा ब्लॉग पर, तब तक के लिए। तो अभी आ चुके हैं हम लोग मेला घूमने के लिए। यहाँ पर पास में ये है मुरैठ का, और यहाँ मेरे बैग में देखा, अभी तो देख नहीं रहा होगा, झाड़ियाँ देख रही हैं। ये है, ये स्टार्ट हो चुका है, और ये है छोटे बच्चों के लिए कुनकने के लिए। हम लोगों ने बोला था कुनकने के लिए, मना करती है वो जो नीचे देख रहे हो वहाँ पर, तो वहाँ पर ना पंखी है जिससे हवा बढ़ते हैं, और उस साइड देख सकते झूला वगैरह सारा कुछ पड़ रहा है, और भीड़ भी बहुत है। और बैक कैमरे से आप लोगों को देखा, तो ये पीछे जो है यहाँ पर लगा हुआ है, ये झूला है, एक छोटा सा झूला, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और वहाँ पर बहुत से लोग भी हैं, और ये देख सकते हो अभी मैं पीछे खड़ा हूँ, वहाँ नॉइस हो रहा था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। और ये इस ट्रैक्टर पर आए हुए हैं, तीन चार और ट्रैक्टर लदे हुए हैं, रखे हुए हैं। और ये रहा, आगे आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। ये हमारे साथ में आए हुए हैं, रोड से उठा लिए इन दोनों लोग, बोल रहे थे लिफ्ट दे दो। तो अभी जा रहे हैं मंदिर मुरैठ का, हमारे एरिया का फेमस मंदिर है, वही मेले के पास लगता है, और अंदर जो है मार्बल से बना हुआ है, अभी पूरा दिखाएंगे आपको। तो यहाँ कुछ बंदर भी घूम रहे थे, बहुत सारे लाल मुंह के, और ये हम लोग मंदिर से अब एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। फिर हमें ध्यान नहीं था मेरे को मोबाइल से मतलब भगवान का फ़ोटो दिखाने का, तो अभी थोड़ा बाहर आएंगे, थोड़ा यहाँ पर बैठ के सेल्फी वगैरह खींचे थे, और थोड़ा फिर बाहर थोड़ा सा और दिखाएंगे, दो चार फ़ोटो खींच के। तो ये सीन है, ये माता रानी का मंदिर है, इसमें तीन चार भगवान और हैं, और ये थोड़ा इसका गार्डन वगैरह है, और पहले ये इतना अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन देख सकते हैं प्योर मार्बल लगा है इस मंदिर में, ए टू जेड क्लासी लगता है, प्रीमियम माल लगता है। तो अभी सारा मंदिर जो है हम लोग घूम के बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। वो तो बंदर की ना वीरना, छुकरी। अरे ये मंदिर अलग से है का? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो मार्बल से बने रहो। जय राम सीताराम। ये हैं लाल मुंह के बंदर, वेरी नाइस लग रहे हैं, और उनको देखो कितने मजा आ रहा है, हाय हाय वाह वाह। यहाँ पर सारे लाल मुंह के हैं बंदर सारे, वो छोटे वाले तो एक नंबर। अरे गलत कर रहा हूँ, ओए 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 उसको रोको रोको कोई उसको।
गजब कर दो। ये सीन देख कितना मस्त सीन लग रहा है। वाओ व्हाट अ प्लेस ब्रो। बीस का पैसा दे दो मेरे को, रास्ते ही लेना है। नीचे ले आते, नीचे ले आते क्या? अभी मंदिर से ही एग्जिट में डाल ना। अरे यहाँ सब मेरी मेरी का पूरी ऐसी बात ही होगा। ये इनकी एंट्री से अब एग्जिट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा नीचा आता है। हाँ तो अभी उतर गए हैं और नितिन भैया और राजल जो है, पीयूष जो है, झूले झूल रहे हैं। मैं नहीं झूलता इसलिए मेरे को थोड़ा चक्कर आते हैं, इस कारण मैं नहीं झूलता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था। तो मेरे को चक्कर भी आता है झूला वगैरह झूलने में, इसलिए मैं मतलब झूला बहुत ही कम, एक बार झूला था तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए थे, इसी कारण मैं फिर दोबारा से झूला ही नहीं झूला। तो इन लोगों को भी मतलब मोहन भैया को भी पहली बार ही है झूला, तो मैं तो नहीं झूलता। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो यदि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है और आप भी मेला घूमने जाते थे पहले बचपन में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आपको कौन से अच्छे भगवान, मतलब आपके फेवरेट भगवान जी कौन है, शंकर जी या फिर गणेश जी या फिर सारे भगवान, तो उनका नाम नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। शुक्रिया, थैंक यू।